मंत्र जो पढ़ के फूका धुआंधार गिर गई। क्या बात, मंत्र जो पढ़ के फूका धुआंधार गिर गई। कल रात इसको प्यार की दीवार गिर गई। बहुत अच्छे साहब। मंत्र जो पढ़ के फूका धुआंधार गिर गई। कल रात इसको प्यार की दीवार गिर गई। और शेर है कि मलका जो बनने वाली थी हिंदुस्तान की। क्या कह रहा डॉक्टर? मलका जो बनने वाली थी हिंदुस्तान की, वो लौंडी ही चुनाव में इस बार गिर गई। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मजमे में तमाम मेरे अपने घर के लोग हैं, वाहिद भाई का नाम ले लिया, इसका मतलब कि तमाम लोगों का मैंने नाम ले लिया। तमाम लोगों को शरीक करता हूँ कि मंत्र जो पढ़ के उनका धुआंधार गिर गई। कल रात इसको प्यार की दीवार गिर गई। मलका जो बनने वाली थी हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये दो शायर जो हैं अल्ताफ जिया और वाहिद अंसारी, मालेगांव का नाम जहाँ कोई नहीं जानता था, वहाँ तक इन दोनों शायरों ने मालेगांव का नाम पहुँचाया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो मंत्र जो पढ़ के फूका धुआंधार गिर गई। कल रात इसको प्यार की दीवार गिर गई। मलका जो बनने वाली थी हिंदुस्तान की। क्या बात है, वाह। मलका जो बनने वाली थी हिंदुस्तान की, वो लौंडी भी चुनाव में इस बार गिर गई। वो लौंडी भी चुनाव में इस बार गिर गई। और करने गया था कत्ल मैं दुश्मन को उसके घर। करने गया था कत्ल मैं दुश्मन को उसके घर। बच्चों का आंसू देख के तलवार गिर गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। करने गया था कत्ल मैं दुश्मन को उसके घर। बच्चों का आंसू देख के तलवार गिर गई। बच्चों का आंसू देख के तलवार गिर गई। और बारिश ने रुसवा होने से मुझको बचा लिया। बारिश ने रुसवा होने से मुझको बचा लिया। रोई ये आंख जैसे ही बौछार गिर गई। बारिश ने रुसवा होने से मुझको बचा लिया। रोई ये आंख जैसे ही बौछार गिर गई। और फिर भी तो कह रहा है किया क्या है बाप ने। फिर भी तो कह रहा है किया क्या है बाप ने। बेटा तेरे लिए मेरी दस्तार गिर गई। फिर भी तू कह रहा है किया क्या है बाप ने। बेटा तेरे लिए मेरी दस्तार गिर गई। बेटा जी बहुत शुक्रिया। फिर भी तू कह रहा है किया क्या है बाप ने। बेटा तेरे लिए मेरी दस्तार गिर गई। और शेर होता है दोस्तों देखो ना, के पुजारन को कन्हैया की गली अच्छी नहीं लगती। पुजारन को कन्हैया की गली अच्छी नहीं लगती। मेरी राधा को मेरी बांसुरी अच्छी नहीं लगती। पुजारन को कन्हैया की गली अच्छी नहीं लगती। मेरी राधा को मेरी बांसुरी अच्छी नहीं लगती। और मोहब्बत जहर लगती है शिकारी को परिंदों की। मोहब्बत जहर लगती है शिकारी को परिंदों की। सियासत को किसी की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत मोहब्बत जहर लगती है शिकारी को परिंदों की। सियासत को किसी की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी है। क्या कहना, वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी है। उसी बेटे को अब खांसी मेरी अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि वो जिसके वास्ते बेची है मैंने अपनी किडनी है। उसी बेटे को अब खांसी मेरी अच्छी नहीं लगती। और कटोरा हाथ में लेकर फिरेंगी कब तक गजलें। कटोरा हाथ में लेकर फिरेंगी कब तक गजलें। हमें रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। कटोरा हाथ में लेकर फिरेंगी कब तक गजलें। हमें रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। कटोरा हाथ में लेकर फिरेंगी कब तक गजलें। कटोरा हाथ में ले जी मुझे शफीक पूरे जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी भी मोहब्बत मिल रही है। कटोरा हाथ में लेकर जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई भाई। कटोरा हाथ में, बहुत शुक्रिया। कटोरा हाथ में लेकर फिरेंगी कब तलक गजलें। हमें रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। हमें रस्सी पे चलती शायरी अच्छी नहीं लगती। और गजल के साथ तखल्लुस भी लगा कर अपना रखा कर।
गजल के साथ तहल्लुस भी लगाकर अपना रखा कर अकेली लड़की रास्ते पर खड़ी अच्छी नहीं लगती। गजल के साथ तहल्लुस भी लगाकर अपना रखा कर अकेली लड़की रास्ते पर खड़ी अच्छी नहीं लगती। और दो चार शेर आखिर यूं हुआ है कि जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। नई गजल अल्लाह ने हुआ इश्क ये लड़का बदल गया। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। रहती है दिल्ली मीर का लौंडा बदल गया। वाह वाह। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। कहती है दिल्ली मीर का लौंडा बदल गया। कहती है दिल्ली मीर का लौंडा बदल गया। और अल्ताफ भाई वाहिद भाई के होंठों को मेरे चूमने आती हैं तितलियां। क्या बात है। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। कहती है दिल्ली मीर का लौंडा बदल गया। होंठों को चूमने मेरे आती हैं तितलियां। उस्ताद देख लो मेरा लहजा बदल गया। होंठों को मेरे होंठों को चूमने मेरे आती हैं तितलियां। उस्ताद अरे वाह। होंठों को चूमने मेरे आती हैं तितलियां। उस्ताद देख लो मेरा लहजा बदल गया। उस्ताद देख लो मेरा लहजा बदल गया। और आराम से वो सोई है पेड़ों के डाल पर। आराम से वो सोई है पेड़ों की डाल पर। लगता है चुड़िया रानी का झूला बदल गया। आराम से वो सोई है पेड़ों की डाल पर। लगता है चिड़िया रानी का झूला बदल गया। और हमने गजल के जिस्म को पोशाक दी नहीं। हमने गजल के जिस्म को पोशाक दी नहीं। मलबूस गम का मैला कुचैला बदल गया। हमने गजल के जिस्म को पोशाक दी नहीं। मलबूस गम का मैला कुचैला बदल गया। और खुद अपने हाथों एड़ी रगड़ कर मरेंगे लोग। खुद अपने हाथों एड़ी रगड़ कर मरेंगे लोग। अब मौत की सजा का तरीका बदल गया। खुद अपने हाथों एड़ी रगड़ कर मरेंगे लोग। अब मौत की सजा का तरीका बदल गया। और दुनिया तेरे बदलने पे मैं क्यों करूं मलाल। दुनिया तेरे बदलने पे मैं क्यों करूं मलाल। जिसको पिलाया खून वो बेटा बदल गया। जिसको पिलाया खून वो बेटा बदल गया। जब से हुआ है इश्क ये लड़का बदल गया। कहती है दिल्ली मीर का लौंडा। जी जी वाहिद भाई की जी जी वो शेर अगर इस महफिल में नहीं पढ़ा जाए तो ये महफिल में समझता हूँ कि अधूरी रहेगी। वाहिद भाई जी दो तीन शेर मैं हाल से आखिर पढ़ रहा हूँ कि हमने देखकर वाहिद भाई ने इस शेर एक इसमें शेर पर बड़ी तारीफ की है। मुझे वाहिद भाई की तारीफ जो एक सनद लगती है हमेशा। जिस शेर पर वाहिद भाई अल्ताफ भाई बोलते हैं वो शेर मुझे जो है मशहूर कर देता है कि हमें देखकर वो बोसा जा रहा है। हमें देखकर वो बोसा जा रहा है। हमारा हाथ चूमा जा रहा है। हमें देखकर वो बोसा जा रहा है। हमारा हाथ चूमा जा रहा है। और नहीं मालूम मुझको कौन हूँ मैं। नहीं मालूम मुझको कौन हूँ मैं। मुझे मुझसे मिलाया जा रहा है। नहीं मालूम मुझको कौन हूँ मैं। नहीं मालूम मुझको कौन हूँ मैं। मुझे मुझसे मिलाया जा रहा है। और बसाए जा रहे हैं दश्त सहरा। बसाए जा रहे हैं दश्त सहरा। मेरे दामन को फाड़ा जा रहा है। बसाए जा रहे हैं दश्त सहरा। मेरे दामन को फाड़ा जा रहा है। लिपट कर रो रहे हैं मीरो वालिद। लिपट कर रो रहे हैं मीरो वालिद। गजल तेरा जनाजा लग रहा है। लिपट कर रो रहे हैं मीरो वालिद। लिपट कर रो रहे हैं मीरो वालिद। गजल तेरा जनाजा जा रहा है। गजल तेरा जनाजा जा रहा है। और जिस शेर पर वाहिद भाई ने बहुत देर तक बोला था तफसील में वो शेर है कि हमें देखकर वो बोसा जा रहा है। हमारा हाथ चूमा जा रहा है। लगाई है कड़ी अंदर से मैंने। लगाई है कड़ी अंदर से मैंने। मुझे बाहर से खोला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। लगाई है कड़ी अंदर से मैंने। लगाई है कड़ी अंदर से मैंने। मुझे बाहर से खोला जा रहा है। हमें देखकर वो भूसा जा रहा है। हमारा हाथ चूमा जा रहा है। बहुत देर